हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किस किस तरह की सावधानी आपके ट्रांजैक्शन टाइम बरतनी है और कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड से बच सकते हैं, आज इस वीडियो में इन सब की बात करते हैं। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड एक कॉमन बात हो चुकी है। अगर आपकी अवेयरनेस कम है अगेंस्ट साइबर क्राइम तो आपको ये कभी ना कभी इस तरह के फ्रॉड सामने देखने को मिलेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते समय एक फ्रॉड को चेक कर सकते हैं कि ये फ्रॉड है या फिर रियल है। अगर आप किसी पेमेंट ऐप के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट सेंड कराते हैं किसी पैसे भेजने के लिए, या कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके बोलता है कि आप मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो इस तरह की रिक्वेस्ट को आपको डिनाई करना है, चाहे वो फ़ोनपे पे आए या फिर गूगल पे आए। तो इस तरह की रिक्वेस्ट को आपको सिंपली डिनाई करना है। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते और वो आपको फ़ोन करके बोलता है कि आपके लिए ये कूपन है या आपके लिए कुछ लकी ऑफ़र है, अगर वो इस तरह की बात करता है और आपको किसी भी पेमेंट ऐप के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो इस तरह की रिक्वेस्ट को आपको हमेशा के लिए डिनाई करना है। अगर आप डिनाई नहीं करते और प्रोसेस कर देते हैं अपना UPI पिन डाल के, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अगर आप जेन्युइन तरीके से किसी पर्सन की रिक्वेस्ट आती है या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी रिक्वेस्ट आती है तो आप सिंपली ओके कर सकते हैं, बट कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन करके बोले तो आपको सिंपली उस तरह की रिक्वेस्ट को डिनाई करना है। सेकंड स्कैम की बात करें तो आपको OLX और क्विकर पर देखने मिलेगा। अगर आप किसी भी आइटम को बाय करते हैं या फिर सेल के लिए अपने ऐड लगाते हैं OLX या क्विकर पे, तो आपको सेम तरह का कॉल आता है जिसमें आपसे बोला जाता है कि हम आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप उसको ओके कीजिए और मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। इस तरह की रिक्वेस्ट आपको फंसाने के लिए होती हैं। हाल ही में आपको याद हो तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की डॉटर के साथ भी सेम इसी तरह का फ्रॉड हुआ था। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो उससे किसी भी तरह का लेन देन आपको नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह की रिक्वेस्ट या ऑनलाइन पेमेंट को आगे बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। अगर नेक्स्ट स्कैम प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको फर्जी बैंकिंग ऐप और फर्जी पेमेंट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। आपको झांसा दिया जाएगा कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको इतने रुपये का कैशबैक मिलेगा। इस तरह के आपको बहुत से ऑफ़र दिखाए जाएंगे जिसमें आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स, ATM कार्ड और UPI सेट करते हैं और उसके वॉलेट में कुछ पैसा डालते हैं, तो उस तरह से आपके अकाउंट की डिटेल्स और पैसे को तो टोटली हैकर के पास जा सकता है। तो इस तरह के फर्जी ऐप से आपको बचना है। जो भी ट्रस्टेड ऐप हैं उन्हीं का यूज़ करें अपनी पेमेंट के लिए। अगर आपको SMS के थ्रू या WhatsApp के थ्रू या किसी अदर सोशल मीडिया के थ्रू आपको किसी मैसेज आता है और मैसेज में किसी अननोन लिंक के बारे में बताया रहता है कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा या कैशबैक मिल जाएगा, तो इस तरह के लिंक से आप किसी भी सस्ते आइटम जैसे आईफोन हो गया, आईफोन आपको 10,000 रुपये में मिलता है, आप उसमें पेमेंट करते हैं, इस तरह के लिंक से आपको फ्रॉड हो सकता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी तरह के मैसेज में आई हुई लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। क्लिक करते हैं तो नुकसान आप ही का होगा। अगले स्कैम की बात करें तो आपको किसी भी ऐप या फिर किसी कंपनी या किसी बैंक से रिलेटेड कोई समस्या रहती है तो आप उसके हेल्पलाइन नंबर के लिए डायरेक्ट गूगल करते हैं। गूगल करने से जो भी नंबर आपको गूगल डिस्प्ले कराता है उस पर कॉल करते हैं, तो वो भी आपको एक स्कैमर का नंबर हो सकता है। तो इस तरह के नंबर को आपको कॉल नहीं करना है। अगर आपको किसी ऑफिशियल बैंक या किसी ऐप या किसी वेबसाइट का नंबर चाहिए तो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाएँ। साइट पर कॉन्टैक्ट अस का एक अलग से पेज रहता है, उस पर क्लिक करके आप उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर और ईमेल ले सकते हैं जिसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखें, कभी भी आपको किसी भी ऐप या बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो या समस्या हो तो आप उसकी ऑफिशियल साइट पर जाएं। साइट पर जाने के बाद ही उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करें। तो याद रखें, हर कोई इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं गूगल जो नंबर दिखा रहा है वो 100% सही हो। गूगल एल्गोरिथम पे चलता है, इसकी वजह से आप किसी भी नंबर को रैंक करा सकते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड भी बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये थे कुछ ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड जिसको आपको अवॉइड करना है और सतर्कता से अपनी पेमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।